बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू आर फाइन। आई एम फ्रॉम आईएससीए स्कूल सिस्टम ऑनलाइन लर्निंग। आई एम डिलाइटेड टू बी हियर टुडे टू टॉक टू यू। द पर्पस ऑफ दिस प्रेजेंटेशन इज टू हेल्प यू इन अंडरस्टैंडिंग मैथमेटिक्स आर सॉल्विंग क्वेश्चन। क्लास फिफ्थ मैथ, वी आर ऑन लेक्चर नंबर 12। आई होप सब लोगों ने फर्स्ट 11 लेक्चर क्लियर कर लिए होंगे। नाउ वी विल स्टार्ट फ्रॉम लेक्चर नंबर 12। If you cover this lecture, you are sure to listen me carefully. So I am going to introduce you with the basic concept of mathematics. We are on unit number 2, HCF and LCM. Unit number 2 भी है हम, जो हम लोग HCF और LCM solve कर रहे हैं। About previous lecture, exercise 2A, unit number 2, see on page number 29. Take your books and see on page number 29. हम लोग 29 में थे, हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 4 के लेक्चर में 10 में किया था, फिर क्वेश्चन नंबर 5 का लिया था कल, पिछले लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस किया था। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 6 से काम है। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 और 7 के बारे में ब्रीफली एक्सप्लेन करेंगे और आपको मैं समझाऊंगी क्वेश्चंस की कैसे करने हैं। तो देन हम लोग फिर अगले टास्क में क्वेश्चन नंबर 8 कर लेंगे कवर। यहाँ तक हमारा टास्क कवर हो गया। आप आई होप सो आप लोगों ने ये सारी चीज़ चेक कर ली होगी कि कौन सा डिविजिबल है, 6 है या नहीं है। Now our today lecture exercise 2A unit number 2, see on page number 29. Please see on page number 29. Question number 6 आप निकाल ले आप book में से। Question number 6 क्या है? Which of the following numbers are divisible by 3 but not divisible by 6? Apply the rule and show the working also. इन्होंने कहा है कि आप लोग चेक करो कि divisible by which of the following number are divisible by 3 है या नहीं, और not divisible by 6 का मतलब है कि वो 6 में नहीं है। आप लोग ये देखो कि जो 3 पे डिविजिबल होगा, कुछ ऐसे होते हैं कि जो 3 पे भी डिविजिबल होते हैं और 6 पे भी डिविजिबल होते हैं, तो आपको चेक करना पड़ेगा। सबसे पहले आप लोग 3 का डिविजिबल चेक करोगे, तो यहाँ 3 है, तो क्वेश्चन नंबर ए है पार्ट 4707। पार्ट ए है, 4707 है, 4707 भरी रखे हुए और डिविजिबल में 3 चेक करना है। 3 हम लोगों ने बाहर रख दिए तो हमें पता है कि 4 है, और हम लोगों को उसकी छोटी रकम भी पता है, तो 4 वन्स आर सॉरी 3 वन्स आर 3, तो 4 में से 3 निकाले तो 1 बच गया, 1 बच गया ना, 4 में से 3 निकाले। ये 7 था, ये 7 है ना, तो 7 बिल्कुल नीचे आ गए सीध में, तो हमारे पास 17 बन गया। तो अब हम लोग देखिए 17 है और 3 इतना कम रकम है, तो 3 अब देखिए 3 का टेबल पड़े, 3 वन जर 3, 3 टू जर 6, 3 थ्री जर 9, 3 फोर जर 12, 3 5 बार 15 और 3 6 बार 18 होता है, 18 ही होता है ना। तो हम लोग 17 हमारे पास छोटी रकम है और हम लोग बड़ी रकम तो मतलब लिख ही नहीं सकते। 17 है तो उसके नीचे हम 18 लिख ही नहीं सकते, माइनस ही नहीं हो सकता इस तरह, तो हम लोग छोटी रकम लिखते हैं और उसके करीब। तो 3 5 बार 15 हो गया, 7 में से 5 निकाले, 2 2 ही बच गया ना, 7 में 5 निकाल 2, 1 वाज 1 0, तो 7 में 5 निकाल 2। अब ये जो 0 है ना, ये वाला 0, तो ये बिल्कुल सीधे नीचे आ गया, ये वाला 0 नीचे आ गया, 20 बन गया। फिर आप टेबल पर 3 1 जर 3, 3 2 जर 6, 3 3 जर 9, 3 4 जर 12, 3 5 बार 15, 3 6 बार 18, 3 9 बार 3 6 बार 18, 3 7 बार 21, तुम्हारा 21 भरा रकम है, तो हम लोग उसकी स्क्रीन पर रकम करनी है। तो 3 6 पर 18 हो गया, तो 20 में से 18 निकाले, 2 आ गया और ये 7 था, तो 7 बिल्कुल सीधे नीचे आ गया। अब 3 का टेबल अगेन पर है, 27 है, तो 3 1 जर 3, 3 2 जर 6, 3 3 जर 9, 3 4 जर 12, 3 5 और 15, 3 6 पर 18, 3 7 बार 21, 3 8 बार 24, 3 9 बार 27, 27 है ना, तो 27 आ गया, तो 3 9 बाय 27 आ गया, तो क्रॉस है कि मतलब कोई रिमाइंडर नहीं बचा। जो मैंने आपको पहले बताया कि जो रिमाइंडर नहीं बचे, मतलब पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, तो उसका मतलब है 4707 डिविजिबल बाय 6 है। सिंपल ये है कि वो डिविजिबल बाय 6 है, तो हम लोगों ने लिख दिए यस, 4707 इज डिविजिबल बाय 6। जब भी वो 6 की बात करें, आगे भी क्वेश्चन में 9 की बात करें, तो 9 पर डिवाइड करके चेक कर लेना, रिमाइंडर नहीं बचेगा, तो वो मतलब पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, तो डिविजिबल बाय 6 है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर विद द हेल्प ऑफ रूल ऑफ डिवीजन डिविजिबिलिटी फॉर 8, फाइंड आउट विच ऑफ द फॉलोइंग आर डिविजिबल बाय 8। अब ये हम लोग चेक करना है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर डिविजिबल बाय 8। एक मैं आपको करा ली थी, ये आप लोगों ने खुद करना है, बीसी पार्ट। अब क्योंकि आपको जारी बात है, इतने इतने छोटे छोटे डिवीजन की मैथड है, आपको डिवीजन करनी आती है, फर्स्ट ईयर में डीपली एक्सप्लेनेशन दी हुई है, तो आप लोग फर्दर सॉल्व कर सकते हो ना, आप लोगों को फिर भी ना सॉल्व हो रहा तो आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हो, एवरी टाइम आई एम अवेलेबल फॉर यू।
अब क्वेश्चन नंबर 7 है, पार्ट ए हम लोग सीखेंगे। पार्ट एक एक अगर आप क्वेश्चन ठीक सीख लो ना, तो आप लोगों को इसकी ज़रूरत ही नहीं है। फिर आप लोग प्रैक्टिस करोगे, आपसे खुद खुद होगा। नहीं होगा तो मैं आपके पास हूँ ना, आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू। अब क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट ए है, वो हम कर रहे हैं 4189 है। 4189 अंदर रहती है और 8 पे डिविजिबल बचा करना है। तो 8 5 बार 14 होता है, 8 5 बार 14 होता है। तो आपको टेबल आते हैं 41 में से 14 निकाले तो 18 आ गया। अब हमारे पास 18 आ गया, मतलब 41 में से 14 काले 18 ही आए, 41 में से 14 काले तो 1 आया, और 8 ये जो नीचे था वो बिल्कुल नीचे आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, 41 में से 14 काले तो 1 आया। 1 कैसे आया? क्योंकि 1 में 0 निकाले, 1 4 4 कैंसिल होकर 0 हो जाता है, तो 1 नीचे आ गया, तो 8 ये वाला नीचे आ गया बिल्कुल। ठीक है, हमारे पास 18 हो गया, 5 डिवाइड हो गया। अब 4, अब हमारे पास 8 था, 8 1 बार 8 8 2 बार 16 16 है ना, क्योंकि 8 3 बार 24 हो जाता है, बड़ी रकम हो जाती है, तो बड़ी रकम तो नहीं ऐड कर सकते ना, ठीक है, उसके उसके करीब और छोटी रकम ऐड करते हैं, तो 8 2 बार 16 हो गया। अब 8 में से 6 निकाले 2 आ गए नीचे, 8 में 6 निकाले 2, 1 और 1 0 हो गया, तो 8 में 6 निकाले 2 आ गया, तो ये 9 बच गया था ना, तो 9 बिल्कुल नीचे आ गया, लास्ट रकम थी 29 बन गई। अब हम लोगों ने फिर टेबल गिनना है 8 का, 8 1 8 8 2 बार 16 8 8 3 बार 24 तो 3 बार 24 है, तो 8 फिर 4 टाइम बड़ी रकम हो जाती है, मतलब 32 हो जाता है उसका, 8 4 32 होता है, तो हमारे पास की बड़ी रकम आ जाती है, तो 29 है, तो उसका 32 तो बहुत बड़ी कम रकम है ना, तो वो तो ऐड नहीं कर सकते, तो करीबी रकम 24 ऐड करेंगे, 8 3 बार 24, 9 में से 4 निकाले 5, ये हमारा रिमाइंडर था, हमारे कोई आगे रकम ही नहीं बच रही थी, तो 5 आ गया, मतलब इसका रिमाइंडर बचा है, मतलब ये पूरा पूरा 8 पे डिवाइड कर ही नहीं रहा, इसका रिमाइंडर बच गया, तो मतलब इस पूरा डिवाइड कर ही नहीं रहा, तो इसका क्या मतलब है? नो, 4 1 8 9 इज नॉट डिविजिबल बाई 8, कि 4 1 8 9 डिविजिबल बाई 8 नहीं है। इस क्लियर स्टूडेंट्स, अब आप लोगों ने आगे ये वाले पार्ट चेक करने हैं, बहुत आसान पार्ट है, इतना कोई नहीं है, और ये तो इसमें 0 0 आते हैं, तो वो तो बहुत ज़्यादा आसान होते हैं, तो आप लोगों ने 7 और 8 का पूरा चेक करना है। और अब आप लोगों की देख लो, आप लोगों के आपके मतलब कल फ्राइडे है, कल मैथ का डे नहीं है, फिर सैटरडे संडे भी है, तो आप लोग ये सारा ये काम कम्प्लीट करो, कि हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट मंडे को, ताकि ये एक्सरसाइज हम कम्प्लीट करें, ताकि आगे फर्दर सॉल्व करें हम लोग। नाउ योर डायरी इज़ योर नंबर 2 SCF NLCM, डू एंड अंडरस्टैंड योर क्लास वर्क और नोटबुक, जो मैंने काम करा दिया वो आप नोटबुक पे लिख लो। और आप लोगों ने काम किया है, आपको होम टास्क 2 क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट बी एंड सी खुद आप लोगों ने करना है, पहले रफ का भी प्रैक्टिस करो, फिर देन नीट का भी निकालो, जो अगर क्वेश्चन नहीं होता तो मुझसे पिक बना के आप लोग व्हाट्सएप भेजो, मैं आप लोगों को सोल्व करके दूंगी और समझाऊंगी भी। एंड क्वेश्चन नंबर 7 पार्ट बी एंड सी डी फ्रॉम 2A और नोटबुक, ये आप लोगों का डायरी है। आई होप यू अंडरस्टैंड योर क्लास वर्क, डू योर होम टास्क, फुल कंसंट्रेशन, एंड ऑफिस डेफिनेटली मिस नबीला, स्टे होम, स्टे सेफ।